तो हे गाइस, वेलकम टू द चैनल अगेन। बहुत दिनों से मैं आप लोगों के सवाल का जो जवाब है वो दे नहीं पा रहा हूँ। आप लोग बहुत सारे सवाल पूछते हो कमेंट बॉक्स में, थैंक यू सो मच, बट आई एम रियली सॉरी कि मैं पूरा सारे सवाल का जवाब नहीं दे पाता। इधर उधर के काम में इतना स्टक हो जाता हूँ कि ये कमेंट्स का जो आंसर है वो दे नहीं पाता हूँ मैं। एक भैया ने तो यहाँ तक कमेंट किए कि भैया प्लीज रिप्लाई कर दो, रिप्लाई कर दो। आई एम ट्रूली सॉरी कि मैं रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ, बट हाँ, अब से मैं जरूर कोशिश करूंगा कि आप लोगों के सारे कमेंट्स का रिप्लाई लाइक हफ्ते में एक बार तो एटलीस्ट रिव्यू करूंगा और एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको रिप्लाई दे दूंगा। हो सकता है उसे जल्दी भी हो जाए। तो चलिए देखते हैं कुछ कुछ कमेंट्स, कुछ कुछ सवाल जो आप लोगों का है और उसका आंसर मैं देता हूँ। आई होप आप लोगों को ये ईजी हो जाएगा समझने के लिए। मैं कॉमेंट लिखने से अच्छा मैं सोचा एक वीडियो ही बना देता हूँ ताकि ईजिली आप लोगों को समझ में आ जाए। तो सोनी A7III का मैं एक रिव्यू किया था, उस पर कुछ कुछ लोग कमेंट किए हैं। प्राइस क्या है पूछ रहे हैं एक भैया। अभी सोनी A7III का प्राइस 1,35,000 के आसपास सिर्फ बॉडी का आता है, और लेंस अगर आप लोगे तो लेंस का अलग से आपको परचेज करना पड़ेगा। बॉडी 1,35,000, आई गेस विथ लेंस जो किट लेंस आता है उसके साथ 1,45,000 के आसपास, 1,45,000। वही सोनी A7III के वीडियो पे उसमें एक भैया का कमेंट आया है, भाई मैं आज के डेट में ये कैमरा ले सकता हूँ क्या? सोनी A7III वीडियो के लिए अच्छा रहेगा या नहीं? वैसे कैनन से बेस्ट है ना, तो प्लीज रिप्लाई मी। भाई आप देखिए, सोनी A7III जो है ये 2018 का मॉडल है और इसमें 4K नहीं, 4K 24fps ही है, 1080p 120fps तक है। तो अगर आपका मेजर काम 1080p में ही हो रहा है, जैसे मेरा मेजर काम 1080p में होता है, कभी कभार बड़े प्रोजेक्ट के लिए 4K लगता है, तो उसके लिए मैं रेंट ले लेता हूँ कैमरा। उसके लिए आपको 3-4 लाख का और इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मेजर काम 1080p में हो रहा है तो ये कैमरा बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है आज के डेट में भी, ठीक है। जहाँ बात आता है वीडियो का, ये कैमरा का खासियत ये वीडियो है, ठीक है, आप आराम से वीडियो बना सकते हैं। लॉग है इसमें, S-Log3 वगैरह है इसमें, कलर ग्रेडिंग बढ़िया से हो सकता है वो S-Log के फुटेज में। और जहाँ तक बात आता है कैनन से बेस्ट है या नहीं, अगर आप वीडियो के पर्पज से ले रहे हो तो ये कैमरा अच्छा है। सोनी का कोई भी कैमरा कैनन से वीडियो के मामले में बहुत अच्छा है आज के रेट में, जो मिररलेस कैमरा आते हैं। लेकिन अगर आप फोटो के मामले में ले रहे हो, मतलब आपको फोटोग्राफी ज़्यादा करना है, तो मैं रेकमेंड करूंगा कैनन। कैनन का कलर साइंस वन ऑफ द बेस्ट है। तो इन शॉर्ट, अगर आप वीडियो ले करना चाहते हो तो सोनी पे जाइए, अगर आप फोटो करना चाहते हो तो कैनन पे जाइए। इसके बाद और एक भैया का कमेंट है, मेरे पास G50 कैमरा है, इसे मैं बेच दिया है, अब मैं सोनी A7III पर जाऊं या फुजी फिल्म S10 लूं? सोनी फुल टी स्किन है या नहीं बताइए। मैं फुजी फिल्म जो कैमरा है वो कभी यूज़ नहीं किया हूँ ऑनेस्टली, तो उसके बारे में मैं बता नहीं पा रहा हूँ। बट Z50 निकॉन के जो Z50 है उससे तो सोनी A7III काफ़ी अच्छा है, आप आँख बंद करके जा सकते हो। वैसे जहाँ तक मैं ये X10 फ्यूजी फिल्म का, वो कैमरा का रिव्यू भी मैं ठीक ठाक ही है, बट वो इतना पॉपुलर नहीं है तो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं किया हूँ। मैं सोनी ही यूज़ किया हूँ और कैनन ही यूज़ किया हूँ। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा A7III पर जाइए, रिलायबल कैमरा है, बढ़िया कैमरा है। और जहां तक फुल टच स्क्रीन की बात आता है, A7III सिर्फ फोकस करने में ही टच करता है, उसका जो मेन्यू सिस्टम है, मेन्यू सिस्टम उसका टच स्क्रीन नहीं है। जैसा कैनन का पूरा टच स्क्रीन होता है वैसा सोनी का पूरा टच स्क्रीन है नहीं, सिर्फ मेन्यू जो ऑटो फोकस वाले जो टाइम है उसी वहीं पर ही टच स्क्रीन काम करता है। लेकिन अगर आप A7IV लेते हो जो अभी लेटेस्ट वाला आया है, उसमें पूरा टच स्क्रीन है कैनन के जैसा ही, और उसका मेन्यू भी बहुत चेंज हो चुका है। इसका मेन्यू थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है A7III का। A7IV अगर आप लेते हो तो उसका मेन्यू काफ़ी अच्छा है, मतलब कस्टमाइज ज़्यादा हो गया है, इजी हो गया है, जैसे कैनन का था ना वैसा हो गया है। लेकिन जो सोनी A7IV है वो थोड़ा महंगा है क्योंकि लेटेस्ट है, वो आई गेस 2,15,000-2,20,000 के आसपास आएगा। A7III आपको 1,30,000-1,35,000 उस रेंज में आएगा। आप पैसों का ध्यान थोड़ा रखिए, आपको
लगभग 80,000 के आसपास ज्यादा पे करना पड़ता है। वैसे एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो 80,000 है हो सकता है आपके लिए अब इस स्टेज में एक बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोचोगे, जैसे आप ये कैमरा खरीदते हो तो कम से कम 5-7 साल यूज करोगे, तो उस हिसाब से 80,000 एक वर्थ इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वो कैमरा 33 मेगापिक्सल का है और उसका जो स्क्रीन है वेरी एंगल है, आप ऐसे स्क्रीन कैनन का जैसा कर सकते हो और टच स्क्रीन वगैरह है और काफ़ी एडवांस फीचर भी है। अगर आप 80,000 अफोर्ड कर सकते हो तो मैं रेकमेंड करूँगा A7IV पे जाइए, लेकिन अगर आपका बजट कुछ ज़्यादा ही टाइट है तो A7III खरीद लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। थैंक यू सो मच। अब उसके बाद एक भैया पूछ रहे हैं, सर वेडिंग वीडियोग्राफी के लिए सही है क्या? क्या बात कर रहे हो भाई, ये वेडिंग के लिए ही तो बनाए, मैं मैक्सिमम लोग वेडिंग में यही तो यूज़ करते हैं आज के डेट में। वेडिंग सिनेमाटोग्राफी के लिए ये कैमरा वन ऑफ द बेस्ट है, अगर आप 1080p में रिकॉर्ड करते हो तो। अगर आप 4K में रिकॉर्ड करना चाहते हो तो इसमें स्लो मोशन नहीं है, मतलब कि 60fps 120fps नहीं है, इसमें 4K सिर्फ 24fps है, मैं पहले से ही बताया आपको। और हाँ, अगर आप 1080p में फुल HD में करना चाहते हो, 120fps तक है, S-Log भी है, कलर ग्रेडिंग मस्त होगा, बढ़िया आप कर सकते हो वेडिंग। आपका बजट अगर 1,30,000 के आसपास है, आंख बंद करके खरीदिए। उसके बाद एक भैया का सवाल है, सर कैनन 5D मार्क 4 लेना चाहिए या सोनी? मेरे पास एक सेकंड ना, थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैं। हाँ, तो भैया का कहना ये है कि वो 5D मार्क 4 लें या सोनी, उनके पास एक कैनन R ऑलरेडी है और उनको चाहिए वीडियो के लिए और लो लाइट परफॉर्मेंस वगैरह के लिए चाहिए, तो कंफ्यूज हो रहे हैं कि मार्क 4 लें या A7III लें। भाई मार्क 4 बहुत ही आउटडेटेड कैमरा है, वो ज़माना चला गया। एक तो इतना बड़ा कैमरा है वो, और वो क्या कहते हैं DSLR है, A7III जो है वो मिररलेस है, काफ़ी परफॉर्मेंस में आपको काफ़ी नेक्स्ट लेवल का मिलेगा, खास करके जब आप वीडियोग्राफी करते हो तो A7III वन ऑफ द बेस्ट कैमरा है, मार्क 4 उसके आसपास भी नहीं आ रहा है, वो ज़माना चला गया, मार्क 4 का ज़माना चला गया, बिल्कुल भी मत खरीदो, आपके पैसा वेस्ट हो जाएंगे, 1-1.5 साल के बाद आप पछताने लगोगे। हाँ, मेरा रिकमेंड ये रहेगा कि आप A7III लो, ये 2870 किट के साथ मिल रहा है, ये लो या मार्क 4 लो, तो मार्क 4 तो गलती से भी मत लीजिए भाई, वो हो गया, उसका जमाना चला गया, A7III ही लीजिए। लो लाइट परफॉर्मेंस है जो आपको मार्क 4 में नहीं मिलेगा, 5x स्टेबिलाइजेशन है, वीडियो फुटेज स्टेबिलाइजेशन वो आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा। आप अगर वेडिंग वगैरह करते हो तो हैंडहेल्ड भी ले सकते हो, और मार्क 4 में वो पॉसिबल नहीं है, काफ़ी हैवी कैमरा है वो। अब एक भैया का ये सवाल है कि मैंने अब जस्ट खरीदा है लेकिन इसके बॉडी के अंदर कोई आवाज़ आ रहा है, शेक हो रहा है, तो हो सकता है वो इमेज स्टेबिलाइजेशन के लिए हो, लेकिन इमेज स्टेबिलाइजेशन में बहुत वो जो आपका प्रोसेसर है वो बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं करता, लेकिन आप कुछ ज़्यादा ही आवाज़ कर रहा है तो प्लीज़ मैं रिकमेंड करूँगा आप सोनी सेंटर जाके ठीक करा दीजिए, वरना पूरा कैमरा ख़त्म हो जाएगा आपके। ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, सिर्फ उसका जो सेंसर जो है थोड़ा बहुत हिल रहा है तो वो 5x स्टेबिलाइजेशन है, वो थोड़ा बहुत आता है नॉइस, वरना जनरली ज़्यादा नॉइस कभी नहीं आता। तो हाँ, मैं वही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्बेंस लग रहा है तो तुरंत जो है सोनी के सर्विस सेंटर आप दिखा दीजिए। एक भैया पूछ रहे हैं कि सर वीडियो के लिए लेना चाहिए या नहीं? वीडियो के लिए ले सकते हो, आराम से ले सकते हो, फोटो के लिए भी ले सकते हो, 24 मेगापिक्सल का कैमरा है, फोटो भी अच्छा खींचता है, वीडियो भी बढ़िया आता है, वेडिंग वगैरह कर सकते हो, मस्त, कोई लोड नहीं। एक भैया ये पूछ रहे हैं, भैया मेरे को भी ये कैमरा लेना है लेकिन ये टाइम के हिसाब से ये कैमरा लेना सही है या नहीं? टाइम के हिसाब से तो इससे भी एडवांस कैमरा आ चुका है, बट आपके बजट पर डिपेंड करता है। अगर आपका बजट 2,00,000 के आसपास है तो मैं रिकमेंड करूँगा A7IV पे जाइए, A7IV काफ़ी अच्छा कैमरा है इससे। लेकिन अगर आपका बजट उतना नहीं है, 1,30,000-1,35,000 के आसपास है, तो A7III ये कैमरा आप ले सकते हो, बस आपके बजट के ऊपर है। एक बात ये ध्यान रखिए कि सिर्फ कैमरा लेना सब कुछ नहीं होता, अगर आपको एक अच्छा प्रोडक्शन सेटअप करना है तो आपको लाइट में भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एक अच्छा लेंस में भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा,
आपके जितना पैसा है सिर्फ कैमरा पे मत डालिए, थोड़ा लेंस के लिए, लाइट के लिए भी बचा के रखिए, माइक्स के लिए बचा के रखिए, वरना आप गंदा फंस जाओगे। अब इसके बाद मैं एक रिव्यू किया था जो ग्रीन एरो का माइक है, जिस माइक से अभी रिकॉर्ड हो रहा है ये आवाज़, ये आप देख सकते हो, ठीक है, सॉरी। तो इसके ऊपर भी एक रिव्यू वीडियो बनाया था, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर भी सवाल किए हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको एड्रेस कर देता हूं अभी। भाई डज इट वर्क विथ पीसी? नहीं, तो पीसी किससे काम नहीं करता, आप मोबाइल पे कर सकते हो, टाइप सी लगा के आप यहाँ पे मस्त रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। इज इट कंपैटिबल विथ DJI Osmo Action 3? नहीं भाई, मैं कभी Osmo Action 3 ऑनेस्टली कभी यूज़ नहीं किया हूँ, मेरे पास GoPro है, लेकिन GoPro में भी ये काम नहीं करता, GoPro में ये बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता, तो उस हिसाब से ये DJI Action 3 में भी सपोर्ट नहीं करेगा जितना मुझे लग रहा है ऐसा। एक भैया का ये कमेंट है कि सर हमारे पास ग्रीन एरो S13 Pro माइक है, इसमें एक ही ऑप्शन है नॉइस कैंसिलेशन का, क्या प्रॉब्लम है इसमें? तो आप उसको मल्टीपल टाइम प्रेस करना पड़ेगा, पहले एक ऑप्शन आएगा उसके बाद दूसरे बार प्रेस करना पड़ेगा तो नॉइस कैंसिलेशन Level 2 एक्टिव होगा, उसके बाद और एक बार प्रेस करना पड़ेगा तो Level 3 एक्टिवेट होगा, एक ही बार में 3 एक्टिवेट नहीं होता, तो प्लीज़ चेक कीजिए वैसा, अगर काम नहीं कर रहा है तो माइक में कुछ प्रॉब्लम है, आप कस्टमर केयर को कॉल कीजिए और उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए, मैक्सिमम चांसेस है कि आपका रिप्लेस हो जाएगा। एक भैया का सवाल है कि S13 या S13 Pro कौन सा बेस्ट है? भाई प्रो लगा है, प्रो लगा है मतलब कुछ है ना, प्रो बेस्ट है, और उसमें क्या ही ज़्यादा ज़्यादा कुछ पैसों का फर्क नहीं है, 200-300 का फर्क है, तो प्रो ले लो, कोई इश्यू नहीं है। भैया S13 या J13 कौन सा अच्छा है? J13 भैया मैं कभी यूज़ नहीं किया हूँ, लेकिन मैं रिव्यूज़ देखा हूँ J13 का, सिमिलर टू S13 है, तो मैं तो अगर अपने हिसाब से बोलूँ तो मैं क्योंकि S13 को यूज़ कर रहा हूँ तो बेस्ट है, ये वन ऑफ द बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मोबाइल में लगा दो इसको, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाता है, अब आवाज़ सुन तो रहे हो अभी। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि J13 कोई ख़राब है, J13 भी आप ले सकते हो। तो बस यही था कुछ इंपॉर्टेंट सवाल और जवाब, आई होप आप लोगों को सेटिस्फाई लगा होगा, तो प्लीज़ ऐसे ही कमेंट करते रहिए, अच्छा लगता है, ये मेरा गलती है कि मैं आप लोगों को लेट रिप्लाई दे रहा हूँ, कोशिश करूँगा ये गलती फिर से ना करूँ, क्योंकि मैं मतलब फ्रीलांस काम भी करता हूँ, मार्केट का जो प्रोजेक्ट है वो भी करता हूँ, तो उस चक्कर में बिजी रह जाता हूँ, लेकिन हाँ आने वाले टाइम पे ज़रूर कोशिश करूँगा कि आप लोगों का सारा कमेंट मैं रिप्लाई करूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।